नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फॉर मीडिया चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त कृतिका। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, लगभग लगभग 1 महीना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबकी प्रिपरेशन इस समय ज़ोरों पे चल रही होगी, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मिनिमम आपको 8 to 9 आवर्स एवरी डे यू हैव टू पुट इन द एफर्ट, मिनिमम मैं बता रही हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा ही आपको पढ़ाई समय करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स लगाइए। पिछले साल के मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म से रिलेटेड जो पेपर हो चुके हैं उनको आप दोबारा से लगाइए और देखिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाइए, सारे ऑप्शंस को, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा। वी आर गिविंग यू दी सेलेक्टेड MCQs विच आर मोस्ट एक्सपेक्टेड इन द एग्ज़ाम और जो अब तक कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेलीविजन एंड रेडियो की, विच इज़ रिलेटेड टू मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म पेपर 2। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस सब्जेक्ट के लिए उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ एंड तक देखिएगा। वील टॉक अबाउट टॉप 10 एक्सपेक्टेड MCQs रिलेटेड टू टेलीविजन एंड रेडियो। सो प्लीज़ डू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट, ताकि आपको हमेशा इस चैनल से जुड़े अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें, आपको मिलते रहें। एंड डोंट फर्गेट टू शेयर द वीडियो सो दैट आपके जितने फ्रेंड्स हों या जो भी आपके सर्कल में लोग हैं उन तक भी ये जानकारी टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। टॉप 10 एक्सपेक्टेड MCQs रिलेटेड टू टेलीविजन एंड रेडियो फॉर दी स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एज देयर सब्जेक्ट इन NTA UGC अपकमिंग नेट एग्जाम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज यूज ऑफ रेडियो फॉर हायर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्री असम्पशन ऑफ ए एनरिचिंग करिकुलम बेस्ड इंस्ट्रक्शन, बी इज replacing teacher in the long run, C is everybody having access to a radio set, या फिर D other means of instruction getting outdated। use of radio के बारे में पूछा गया है for higher education। so यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा relevant answer लग रहा है that is option number A, enriching curriculum based instruction, क्योंकि टीचर को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। सो दिस गोज रॉन्ग। एवरीबडी हैविंग एक्सेस टू अ रेडियो सेट, दिस इज़ अ लिटिल इलॉजिकल थिंग। एंड अदर मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस गेटिंग आउटडेटेड, दिस इज़ अगेन अ इलॉजिकल ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर क्या लग रहा है, एनरिचिंग करिकुलम बेस्ड इंस्ट्रक्शन। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आप लोग इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आंसर अपनी कहीं डायरी में लिख सकते हैं एंड देन यू कैन सी कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आते हैं, कितनी आपकी प्रिपरेशन ठीक से हुई है या नहीं हुई है और कितनी आपको ज़रूरत है अच्छे से प्रिपेयर करने की। सो वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 दैट सेज विच ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम फॉर टेलीविजन इज फॉलोड इन इंडिया। दिस इज़ अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले कुछ सालों में पूछा जा चुका है और ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉडकास्टिंग में टेलीविजन में कौन सा सिस्टम यूज़ होता है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज़ पैल, PAL, पैल सिस्टम। इसके बारे में आप चाहें तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं टेक्निकल चीज़ें हर सिस्टम से रिलेटेड, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है सो आई कॉन्ट टेल यू एवरी थिंग, यू कैन गो थ्रू दी बुक्स और नोट्स। सो ये द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 सेज ऑल इंडिया रेडियो बिफोर 1936 वॉज नोन एज ए इंडियन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, बी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ऑफ इंडिया, सी इज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस या फिर डी ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। दिस इज़ अ वेरी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, अगर आपको ठीक से बिल्कुल मतलब एकदम कंफर्म नहीं पता है तो पूरी गारंटी है कि आप इसको गलत कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दिस क्वेश्चन कि 1936 से पहले
All India Radio was known as Indian Broadcasting Service, just by hearted. So here the right answer is option number C. And this is a very factual question, लेकिन options इन्होंने इतने confusing दिए हैं कि majority लोग इसको गलत करके आते हैं. Otherwise, it is a very easy and factual question. So we move on to question number 4. Press Bharati was launched in the year. This is again a very factual question. Options दे रखे हैं आपको. A is 1995, B is 1997, C is 1999 and D is 2001. So here the correct answer is option number B, 1997. Now we move on to question number 5. Community radio is a type of radio service that caters to the interest of A is local audience, B is education, C entertainment, या फिर D news. Community radio की जब भी बात आएगी, local audience की बात हो रही होगी, because नाम ही है उसका. The name suggests community radio, so it is very clear that we are talking about the local audience. Now we move on to question number 6 that says, what is the main objective of FM radio station? A is information, entertainment, tourism. B is entertainment, information and interaction. C is tourism, interaction and entertainment. Or D is only entertainment. तो रेडियो का हमें सॉरी एफएम रेडियो का हमें पता है, हमें उसमें एंटरटेनमेंट भी होता है. वी हैव म्यूजिक इन इट, वी हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूज़ भी बताते हैं कई बार आरजेज हमें, एंड वी इंटरैक्ट आल्सो. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट एंड इंटरैक्शन. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 दैट सेज, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया R, A is 28, B is 14 and C 17 while D is 20. यहाँ पे the correct answer is option number A, 28. Press council friends जो होती है, it is headed by a chairman. It is headed by a chairman. यूजुअली रिटायर्ड जज होता है ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इसके अलावा 13 वर्किंग जर्नलिस्ट होते हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट होते हैं, और 6 जो हैं न्यूज़पेपर ओनर्स होते हैं. तो ऐसे कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्रेस काउंसिल के होते हैं, दे आर 28. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 28. अब इन्होंने पूछा है द बिगेस्ट News agency of India is, option is A, PTI, B is UNI, C is NANAP, या फिर D is Samachar Bharati. So यदि right answer is option number A, PTI. आप लोग मुझे comment करके बताएगा कि PTI की हिंदी news agency का नाम क्या है, क्योंकि वो भी एक question बन सकता है. Moving on to question number 9. Video transmission over the internet that looks like delayed live casting is termed as A is virtual video, B is direct broadcast, C video shift, or D real time video. So here the answer is option number D, real time video. Moving to question number 10, it says which satellite channel uses the tagline knowing is everything? A is BBC World, B is Star, C is Sony, or D is Z. ये जो आपके taglines और channels के नाम होते हैं, you should be well versed with them because ये आपसे कई बार matching में पूछ लिया जाता है. इन्होंने तो यहाँ पे ऐसे ही पूछ लिया options देके, लेकिन ये match the following में भी आते हैं. So this is very important. Knowing is everything tagline है BBC World की. इसके अलावा Star की आपकी tagline है रिश्ता वही सोच नहीं. Z की आपकी tagline है हर लम्हा नई उम्मीद. लेकिन C की Sony की क्या tagline है वो आप लोग मुझे comment करके बताइएगा. So this is for today. These were our 10 questions related to television and radio. Most expected questions. इसी तरह के expected questions related to different topics हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि आपकी UGC NET की preparation ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो.
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डोंट फर्गेट टू शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ज्ञान फॉर मीडिया एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन विच इज़ गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम ज्ञान फॉर मीडिया.